तो दोस्त, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं थोड़ा सा स्कोप ऑफ आ नेटवर्क इंजीनियर। नेटवर्क इंजीनियर वो वाला नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग वाला। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ CCNA, CCNP या CCIE की, जो कि एक नेटवर्क प्रोफेशनल बंदे होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं। उसके बारे में, नेटवर्क का जो स्कोप है वो पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। नेटवर्क एक ऐसी फील्ड है, आप चाहें CCNA कर लो, CCNP कर लो या CCIE कर लो, बट स्कोप में थोड़ा सा यहाँ पे गिलेस है। क्या कि फॉर सपोज कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पे 2000 एम्प्लॉय हैं, ठीक है। 2000 एम्प्लॉय के लिए वहाँ पे एक नेटवर्क सेटअप है, फायरवॉल लगा है और नेटवर्क की चीज़ें हैं मैनेज करने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे जो नेटवर्क फंडामेंटल है या कंपनीज में जो नेटवर्क इंजीनियर होते हैं, वो क्या होता है कि 2000 एम्प्लॉय में एक नेटवर्क का बंदा होगा या हो सकता है मैक्सिमम दो नेटवर्क के बंदे होंगे। तो यहाँ के अकॉर्डिंग अगर आप ग्रोथ देखोगे तो ग्रोथ कम होती है, या मतलब आप अपने आप को इतना स्केल नहीं कर सकते हो कि नहीं चाहो जिस कंपनी में चाहो उस कंपनी में चले जाओ। इवन जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, वो कुछ कंपनी जैसी भी हैं जो नेटवर्क के बंदे हायर ही नहीं करते, जहाँ पे नेटवर्क इंजीनियर होते ही नहीं है, वो वेंडर से काम करा लेते हैं या किसी यार दोस्त से करा लिया, या हो सकता है कोई टेक सपोर्ट पे वहाँ पे अगर जॉब कर रहा है, हो सकता है वही नेटवर्क का पार्ट मैनेज करे। 1000-1200 कंपनी में तो नेटवर्क का इंजीनियर इवन होता भी नहीं है कोई नेटवर्क मैनेज करने के लिए। जो टेक सपोर्ट का बंदा है, जो डेस्कटॉप सपोर्ट का बंदा है, उसी से नेटवर्क भी मैनेज करा लेते हैं, उसी से फायरवॉल भी मैनेज करा लेते हैं। इस लेवल पे अगर आप बात करो, इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, इतनी ज़्यादा ओपनिंग्स नहीं होती हैं नेटवर्क के लिए। बट इन अदर फील्ड अगर आप बात करोगे कि अगर आपको कहीं नेटवर्क में जॉब मिल गई किसी भी तरीके से, और आप एक टाइम बाद नेटवर्क सिक्योरिटी पे चले गए या साइबर सिक्योरिटी में चले गए, वहाँ से मूव होके आपने CCNA कर लिया, CCNP कर लिया, CCIE कर लिया, तो उस लेवल पे जाने के बाद एक अच्छी खासी आपको जॉब मिलने वाली है, एक अच्छी खासी आपको सैलरी मिलने वाली है, तो उस लेवल में ग्रोथ इसका बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप सपोर्ट, टेक सपोर्ट या IT सर्विस डेस्क। तो इन प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उसमें बहुत अच्छा करियर ग्रोथ है। इवन मैं बोलूँगा यहाँ पे कि जो विंडोज सर्वर होता है, विंडोज सर्वर केवल मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे MCSC वगैरह की, अगर 1000 एम्प्लॉय हैं तो उस कंपनी में डेस्कटॉप सपोर्ट का बंदा भी विंडोज सर्वर मैनेज कर लेगा, नेटवर्क भी मैनेज कर लेगा। तो उस तरीके से एक यहाँ पे भी होता है नेटवर्क का और यहाँ पे भी होता है MCSA का। तो चॉइसेस योर्स कि आपको विंडोज सर्वर में जाना है कि नेटवर्क में जाना है, बट नंबर ऑफ जॉब्स का कहीं ना कहीं लिमिटेशन रहता है इसमें। मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल के तरीके से बता दिया, तो आप चूज कर सकते हो। बाकी और भी अदर फील्ड्स हैं, आप क्लाउड में चले जाओ, लाइनेक्स में चले जाओ, आप डेवलपमेंट में चले जाओ। तो अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि नहीं, एक दो कंपनी के एग्जांपल आप ले लोगे तो वहाँ 1000 बंदे हैं तो वहाँ नेटवर्क इंजीनियर नहीं होगा। अब यहीं पे ले लो आप बड़ी बड़ी MNCs कंपनी, जिनके 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख एम्प्लॉय हैं, तो उनके एक लोकेशन में 5-5-10 बंदे होते हैं सिर्फ नेटवर्क के डिपार्टमेंट में। सिर्फ नेटवर्क को मैनेज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में 5-5-10-10-15-15 बंदे आपको मिल जाते हैं। तो वहाँ के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ग्रोथ भी है। और अगर आप ये सोचोगे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में हम स्टार्ट करें कुछ ऐसा, तो वहाँ पे जल्दी से नेटवर्क बंदे नहीं होते हैं, बट स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में एक आपको बेनिफिट जरूर होता है यहाँ पे कि आपकी जो लर्निंग ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि आप हायर हुए थे डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए, आपको मैनेज करना पड़ रहा है नेटवर्क, आपको मैनेज करना पड़ रहा है फायरवॉल। तो क्या होता है कि आपकी जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाती है और आप बहुत सारा कुछ सीख जाते हो। नेक्स्ट प्रोफाइल में आप चाहो तो नेटवर्क में मूव हो जाओ या विंडोज सर्वर में मूव हो जाओ। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। बाकी आप डेस्कटॉप सपोर्ट या टेक्निकल सपोर्ट में जॉब सर्च कर रहे हो तो नीचे मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो, जो कि आपको 90-95% आपको इंटरव्यू में वही मिलने वाले हैं। मेरा बेस्ट रिज्यूमे है, आप चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो, जो कि आपको 100% शॉर्ट लिस्ट कराएगा जॉब्स के लिए। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।